बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद हुसैन और आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू ऐड फीचर चैनल्स ऑन योर यूट्यूब चैनल। क्या आप अपने यूट्यूब चैनल पर फीचर चैनल किस तरह उसको ऐड करेंगे और इसका ऐड करने का तरीका क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है और उसको ऐड करना आपको क्यों ज़रूरी है, ये इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हस्बे रवायत में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से मौसूल हो जाए, शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रही हूँ और इसमें अपने चैनल को मैं ओपन करूंगा। इधर आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने अपने चैनल को ओपन किया है, सामने उसका होम पेज खुल गया है। यहाँ आपने दोस्तों देखा है राइट साइड पे, यहाँ मेरे कुछ फीचर चैनल शो हो रहे हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे फीचर लिस्ट में यहाँ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप इस फीचर चैनल को आप सेट करते हैं या किसी और चैनल को अपने होम पेज में आप फीचर चैनल के टैग में सेट करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी न्यू विज़िटर या आप सब्सक्राइबर आपके चैनल को विज़िट करता है, आपके चैनल के थ्रू चैनल में आके अगर वो किसी दूसरे चैनल को क्लिक करता है तो इसमें YouTube आपको फ़ायदा भी देता है और उसमें आपकी रैंक चैनल के रैंकिंग को भी बढ़ाता है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूँगा इसको आप ज़रूर ऐड करें ताकि आपके चैनल की रैंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द बढ़ सके और जब कोई क्लिक करेगा आपके चैनल में आके उसमें आपके व्यूज़ में भी इजाफा होगा और आपके सब्सक्राइबर भी जल्दी बढ़ेंगे और आपके और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा आपके चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी। तो इसको अभी मैं आपको ऐड करने का तरीका बताता हूँ उसको किस तरह ऐड किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद जो आपके चैनल का लेआउट है, लेआउट की सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ आप एडिट कर सकते हैं और हर चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये लेआउट की सेटिंग कस्टमाइज सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे यहाँ फीचर चैनल शो हो रहा है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फीचर वीडियोस आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर फॉर न्यू विजिटर, ये मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो गैलरी में जाके आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको ये फीचर चैनल्स ऐड करना बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं फीचर चैनल के साथ एक कलम का निशान बना है, इसको आपने क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन है, रिमूव मॉड्यूल एंड एडिट मॉड्यूल। रिमूव मॉड्यूल को क्लिक करेंगे तो यानी कोई चैनल आपने फीचर चैनल में की लिस्ट में से आपने रिमूव करना है, उसको हटा दें, डिलीट करना है तो आप इस सेटिंग में जाके करेंगे। अगर कोई चैनल एडिट करना है तो आपने एडिट मॉड्यूल में आपने आना है। इसमें जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों ये जो दूसरा कॉलम बना हुआ है इसमें कोई चैनल आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको उस चैनल की लिंक या उस चैनल का नाम यहाँ लिख के यहाँ लिखेंगे तो वो चैनल इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ आपने डन कर देना है, डन को क्लिक करेंगे तो आपके इंशाल्लाह फीचर चैनल में वो ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेशन और मशवरा दूँगा कि इसको आप लाजमन फीचर चैनल्स को लाजमन आप सेट करें और उसमें चैनल सेट करें ताकि आपके चैनल की रैंकिंग अच्छी से अच्छी हो सके। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।